दिल्ली के चुनावी रिजल्ट जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी सरकार की वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं। बात करने के लिए राकेश सिन्हा वरिष्ठ सांसद हमारे साथ हैं, संघ विचारक हैं। जो यहाँ पर जो परिणाम दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी सरकार की वापसी हो रही है, पूरा जोर लगाने के बावजूद बीजेपी सरकार नहीं बना रही। देखिए, हमारे लिए जनादेश जनादेश है। जनादेश अगर सकारात्मक आता है हम स्वागत करते हैं, यदि हमारे खिलाफ जनादेश आता है तो हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। हम आम आदमी पार्टी नहीं है या कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जनादेश यदि उनके पक्ष में नहीं आता है तो वे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को ढूंढते हैं, ईवीएम पे बहाना बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी से यह सीखने का समय है इन पार्टियों का कि लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होगा जब जनादेश का सम्मान करेंगे और देश में सांप्रदायिक जातीय ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे। लेकिन बीजेपी पर विरोधी हमलावर कह रहे हैं कि उन्होंने नकारात्मक राजनीति की, ध्रुवीकरण की राजनीति की दिल्ली की जनता ने नकार दिया। दिल्ली को अस्त व्यस्त करने वाली पार्टी, भले उन्हें जनादेश उनके पक्ष में मिला है लेकिन इस जनादेश में गुणात्मकता की कमी है। कभी कभी संख्यात्मक जनादेश गुणात्मक जनादेश का अतिरिक्त होता है। मुझे लगता है कि जो भी जनादेश होगा हमारी पार्टी हमेशा स्वीकार करती रही है और पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही हम अपने राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। और राकेश सिन्हा इस पर सभी भी प्रतिक्रिया दे रहे थे और कह रहे थे कि इसके अलग अलग इम्पैक्ट यहाँ पर रहे हैं, वजह रही हैं और शायद यही वजह है कि वो परिणाम बीजेपी के लिए नहीं आ पाया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।